नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। 12 मई 2020 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। 12 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। हर एक पहलू पर बात करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इन्हीं दिनों से बनकर हफ्ते, महीने, साल और युग बनते हैं। तो हम समझते हैं कि आपके लिए हर एक दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं दिनों में आप इतिहास रच सकते हैं। इन्हीं दिनों में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो और आप दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 12 मई 2020 का आपकी राशि का राशिफल। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 5:36 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:59 शाम को। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुभ वार मंगलवार, तारीख जो है 12 मई 2020। और चंद्र राशि सुबह 10 बजे तक धनु, उसके बाद मकर, और तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष पंचमी। अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त होगा 11:51 AM से 12:44 PM तक। राहु काल होगा 3:38 PM से लेकर 5:19 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार ये जो समय है कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज की गोचर कुंडली, जिसके आधार पर यह राशिफल तैयार किया जाता है। तो स्क्रीन पे आपके सामने कुंडली आ गई है। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं मेष राशि में, बुध और शुक्र वृषभ राशि में, राहु जो है वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु जो है ये बैठे हुए हैं आपके धनु राशि में। और चंद्रमा 10 बजे के बाद स्थान परिवर्तन कर लेंगे, नवम से दशम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर युति हो जाएगी गुरु शनि और चंद्रमा की, और चंद्रमा जो है शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और गुरु के साथ गजकेशी योग भी बनाएंगे। मंगल जो है वो आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये थी ग्रहों की स्थिति आज की 12 मई 2020 की। अब बात करते हैं आज के टोटके की, उसके बाद बात करेंगे राशिफल की और दिन को बेहतर बनाने वाले उपायों की। धन लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं पाना चाहता, कौन नहीं अमीर बनना चाहता, कौन नहीं पैसा कमाना चाहता और कौन नहीं पैसे को बचा के रखना चाहता है। तो धन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को घर के किसी पास के मंदिर, या अगर मंदिर वगैरह भी बंद हैं तो आप अपने ही घर पर कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की फोटो होगी, माँ लक्ष्मी और नारायण की फोटो, उन फोटो या मूर्ति के समक्ष सुगंधित चंदन को जलाएं, सुगंधित चंदन अर्पित करें और धूप इत्र जो भी सुगंधित चीज़ें होती हैं वो भगवान को चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। और जब मंदिर खुल जाए तो वहाँ पर जाकर दे आइएगा। और अपने घर पर भी खूब सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, भगवान को अर्पित करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी खुशबू आती है उसका प्रयोग करें। यहाँ पे पैसों का कमी मत करिएगा, जितना आप सुगंधित इत्र या धूप बत्ती भगवान के समक्ष जलाएंगे उतना ही माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की आराधना भी करिए, दोनों की करिए, तो निश्चित तौर पर आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं राशिफल की। आप आज आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊपर होगा। आज आप शक्ति से, ताकत से भरे हुए इंसान होंगे। जो भी लोग आपके करीब होंगे, चाहे वो मित्र हों, चाहे वो रिश्तेदार हों या कोई भी हो, आज आपके साथ उनका अच्छा तालमेल बैठने वाला है। अगर आपका कोई पारिवारिक बिजनेस है या रिश्तेदारों के साथ या परिवार वालों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो आज वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में पारिवारिक बिजनेस में कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ सकता है, मजबूरी में कोई मजबूरी वाली बात हो जाए कि आपको जाना पड़े, छोटी मोटी यात्रा करनी पड़े, तो इस वजह से थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। और भागदौड़ में
आपका काम जो है थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है। और आज आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे यात्रा करने में, लेकिन ये सब कुछ दोपहर तक होगा। दोपहर के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दोपहर के बाद आपको वक्त मिलेगा सुकून से बैठकर अपना काम करने का। रोमांस के लिए दिल आज आपका भरा रहेगा, रोमांस आज आपके दिल में होगा, प्यार मोहब्बत भरा समय रहेगा। जितने भी भाग दौड़ हो, जितना भी काम हो, लेकिन आप अपने प्रियतम से, अपने जीवन साथी से बहुत प्यार से बात करेंगे, उनके साथ बहुत अच्छा मेलजोल आपका रहेगा, धैर्य और सावधानी पूर्वक बात करेंगे ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो और आपकी बातों से उनको कोई कष्ट ना हो। आपके कुछ ऑफिस में जो लोग काम करते हैं या कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आज वो लोग आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से कोई आपको प्यार के लिए, लव रिलेशन के लिए या किसी अन्य दोस्ती के लिए अप्रोच कर सकता है विपरीत लिंग। तो आज विपरीत लिंग की तरफ से आपको दोस्ती का ऑफर या कुछ और ऑफर मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, अपनी मर्यादाओं में रहिएगा तो बेहतर रहेगा। आज आप कुछ वक्त एकांत में बैठकर चिंतन करेंगे और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या नया परिवर्तन लेकर आना है, इन सब चीजों पर विचार विमर्श करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज जब आप शाम को घर पहुंचेंगे तो अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, और आज आप उनको सिर्फ ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपसे मैंने शादी करी। तो शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आए, मेरी जिम्मेदारी संभालें, बच्चों की जिम्मेदारी संभालें या घर की जिम्मेदारी संभालें। आज आप अपने प्रियतम को ये बताएंगे कि आपके आने से उनकी जिंदगी में कितना फर्क आया, कितने आपने प्रोग्रेस करी। घर के काम, ऑफिस के काम, ये सब तो हैं अपनी जगह, इसके अलावा आपकी लाइफ में उनकी का क्या महत्व है, आपने उनके लिए क्या सोचा है, क्या आपके लिए उनके दिमाग में है। तो आज आप इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे हो सकता है कि आपके रिश्ते और गहरे और आपके रिश्तों में और ज्यादा प्यार पनप जाए। विदेश से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी बच्चों की तरफ से। थोड़ा सर में दर्द हो सकता है। शासन प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका काम बढ़िया रहेगा, यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिन है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में एक लंबी बातचीत शाम को हो सकती है और समय बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट से भी आप कुछ हद तक लाभ कमा सकते हैं, और संतान आपकी, मैंने कहा, तरक्की करने वाली होगी आज। तो आज आपका जो दिन है वो मेलजोल भरा होगा। आज आपको प्रेम संबंध के लिए ऑफर भी मिल सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, भागदौड़ भी हो सकती है, और एकांत में बैठकर आप चिंतन भी करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। और आज आप अपने जीवन साथी को यह एहसास भी दिला देंगे या अपने प्रियतम को यह एहसास भी दिला देंगे कि आपकी जिंदगी में उनका क्या स्थान है। तो कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया है। आज आप जब सुबह घर से निकले ऑफिस के लिए, या बिजनेस करते हैं बिजनेस के लिए, या किसी भी काम के लिए, तो सुबह जब निकलें तो घर के दरवाजे पर दीपक जला दें। घर की कोई गृहिणी, घर की जो महिला है, घर के दरवाजे पर दीपक जला दें देशी घी का, और उसके बाद आप घर से बाहर निकले तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जब एक बार घर से निकल जाएं तो घर से निकलते समय श्री श्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और पीछे मुड़कर ना देखें और अपने काम पे आगे बढ़ते चले जाएं। आपका दिन अच्छा बीतेगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई छोटी बड़ी समस्या है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अभी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चल रही है। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलेगी, सब कुछ सामान्य होगा, तो फिर से ऑफिसेज खुलेंगे, हमारे विजिट्स होंगे अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल अभी आप वीडियो चैट के थ्रू या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो स्थिति, प्लस आपकी जन्म कुंडली के समय जो ग्रहों की स्थिति थी, दोनों को मिलाने के बाद आपको राशिफल के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आज की कुंडली तो हमें पता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपको कुंडली की विवेचना कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आपको पता चल सके कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है, और कुछ अशुभ है तो उसको शुभ कैसे किया जा सकता है। तो ये जो हम
और डेली का राशिफल आपको बताते हैं। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आज की कुंडली के ऊपर, गोचर कुंडली के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो इसी आधार पर ही आपको रिजल्ट को देखना चाहिए। और अगर आज आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उपाय जो मैंने आपको बताए उनको जरूर करिएगा, इससे आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके काम आसानी से बनेंगे। भगवान आप सभी जातक जातिकाओं की इच्छाओं की पूर्ति करें और आपका दिन मंगलकारी हो और आप लोग स्वस्थ रहें। हरिओम, नमस्कार।